मिठाई नहीं कहते उसे, हाँ कुछ लेके हवा खाई, मतलब मुंह डालो हवा हो जाता है, क्या बोलते थे इसे, बना लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा से आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा सा लेट से वीडियो जो है अपना ब्लॉग जो मैंने है शेयर कर रही हूँ, और ये मैं जो है मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाया था। तो ये जो मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए थोड़ी बहुत जा रही हूँ बच्चों के लिए, और दिवाली पूजा का सामान लाना था तो मैं वही मार्केट जा रही हूँ, और ज़्यादा मैंने नहीं बना पाई हूँ क्लिप, तो उतना ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा थोड़ा बनाया क्योंकि क्या है कि पूजा के तैयारी और इस समय ना मतलब इतना हम बिजी हो जाते हैं कि फिर वीडियो बनाना मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती थी, तो उतना बना नहीं पाई हूँ। बहुत हर जगह जैसे बनाना थोड़ा मुश्किल जाता है, तो इसलिए छोटा सा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में अपने जो मैंने वीडियो बना रखा है। तो फ्रेंड्स, और लेट से वीडियो बनाने का कारण ये है जो छठ भी तो हमारा हो गया, 3-4 दिन हो गए छठ के हुए, लेकिन क्या है कि जैसे दिवाली की पहले होती है तैयारी वो हो गई, दिवाली के बाद भी सब भैया दूज सब जो गोवर्धन पूजा फिर छठ की तैयारी, तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो अब ना उसको करने से थोड़ी सी छठ बाद जब हो जाता है ना तो थोड़ी सी थकान सी हो जाती है, तो उसी थकान की वजह से मैंने जो नहीं बना पाई वीडियो। तो ये देखिए, ये जो छठ दिवाली के दिन का मैंने छोटा सा क्लिप बनाया जो हमारे आसपास में बहुत अच्छा से यहाँ पे सब लोगों ने सजाया था, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मेरे जो है मैंने उतना अपना खुद का ही मैंने आप लोगों के सामने आके कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आ जाओ आपका बनाते हैं वीडियो फोटो लेते हैं, मैं चाहती हूँ आती हूँ। थोड़ा गेस्ट भी आ रहे थे जैसे मिठाई उठाई देने आते हैं ना, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, या बाद में फिर लास्ट में थक गई ना रात, काफ़ी रात हो गए खाना पीना खाते वाते, उसके बाद फिर मैंने ली ही नहीं पाई। जब मतलब थक के जब सोने चले तब याद आया कि अरे मैंने थोड़ा सा भी क्लिप अपना नहीं खुद का बनाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाई, तो ऐसा हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं अच्छे से बनाऊं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सब लोग अपने अपने छतों पे भी कुछ पटाखे कर रहे थे, मतलब छोड़ रहे थे वह बच्चे और बड़े। तो आई भी होप आप लोगों को अच्छा लगा है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना दिवाली की रात की, पूरे मतलब जो सिटी है कितना सारे रंग बिरंगे लड़ियों से चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था छत के ऊपर से। तो मैंने सोचा कि वाला चलो आप लोगों के साथ शेयर, देव भी बच्चों ने बनाया था तो मतलब शेयर कर पा रही, वरना वो भी शायद नहीं हो पाता। और ये देखिए मैंने रात वो थोड़ा बहुत क्लिप ये बनाया था तो बैक कैमरा से, तो मैंने रात को कुछ थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ही अपने घर को उतना डेकोरेट कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बस कैसा लगा बताइएगा आप लोग, और सिंपल ही था क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ की नहीं हूँ, आगे देखती हूँ क्या करती हूँ। और ये लाइट चला के देख लीजिए, बस सोफ़ा से मैंने जो है कवर हटा दिया था क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है मुझे। और ये साइड में हमारा जो बॉक्स है, तीन बॉक्स ये हमारा तो बॉक्स साथ में रहता है, इसको भी जगह देना होता है तो इसको मैंने दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने अपना एप्पल ट्री में जो है लाइट लगा लिया था, तो और ये है जिसमें मैंने पूजा करती हूँ ना, तो ये पूजा रूम है, यहाँ पे मैंने पूजा किया था दिवाली का, और यहाँ पे भोग लगाया था और सामान वामान थोड़ा सा तो पूजा में थोड़ा फैल ही जाता है, और जस्ट पूजा करके उठे थे ना तभी मैंने ये थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। और ये देखिए बालकनी से जो है कब बहुत ही ऐसा जो है व्यू आ रहा था, सब लोग अपने अपने घर को बालकनी को बहुत अच्छे सजा रखे थे। तो फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी जो है ब्लॉग आप लोग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों का मेरा दिवाली ब्लॉग। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब, आप सबका स्वागत है। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है भैया दूज का दिन, जो मैंने आप लोगों से भी पहले की वीडियो शेयर किया था कि घर से दरिद्र भगाने की जो विधि होती है, तो वही विधि करने जा रही हूँ सुबह के 4 बजे। तो छोटा सा मेरे क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं वो जो छोटे छोटे हैं दिवाली का इसका भी मिला के ऐड करके आप लोग इसका दूँगी। तो चलिए हम दरिद्र भगाना स्टार्ट करते हैं, और सुबह 4 बजे, 3 से 4 बजे, 5 बजे तक भी कर सकते हैं, थोड़ा लेट हो जाए तो, लेकिन 4 बजे तक करना चाहिए, तो 4 बजे मैं करने जा रही हूँ। चलिए जाऊँगी यहाँ से, शुरू है, ऑन है, हाँ ऑन है।
तो यहाँ पे जो है सुबह मैं उठी थी तो अपने हस्बैंड को बोली कि थोड़ा सा आप थोड़ी सी वीडियो जो है आप बना लीजिए, क्योंकि हस्बैंड तो उतना सब नहीं बनाते हैं और बच्चे सोए हुए थे। मैंने सोचा कि सुबह सुबह बच्चों को क्या परेशान करना, बच्चे फिर जल्दी उठते भी नहीं हैं। तो हस्बैंड जो है उठ गए थे, क्योंकि वो तो उठ जाते हैं कि हाँ चलो जो विधि कर रही हैं। तो मैंने उनको ही क्लिप थोड़ा सा निकालने के लिए दे दिया था। तो आप भी देखिए कि मैंने कैसे, जैसे मैंने बहुत एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को कि वो वीडियो अच्छा लगा, और कुछ हद तक मुझे लगा कि चलो मेरा जो वीडियो बनाने का है वो सफल हुआ, कि लोगों को जानकारी कुछ लोगों को मिल पाई। तो ये थोड़ा अंधेरा है, मैंने लाइट नहीं जलाया इस रूम का, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं ना, तो फिर लाइट जलाओ तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है जिस रूम में मैंने लाइट ऑन नहीं किया है। तो ये देखिए कोने से जैसे मैं बजाते हुए हर कोने में पूरा जाऊँगी, और मेरे पास भी सूप नहीं है तो मैंने प्लास्टिक का ही डब्बा लिया है। और मेरे पास एक कमेंट आया था वो कि नाम तो मैं शायद अभी भूल रही हूँ, कि उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ फेंक देते हैं, वो कह रहा था हाँ हमारे यहाँ भी फेंक देते हैं और नहीं लाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है किसी के पास अच्छा मतलब पुराना नहीं रहता है ना तो बजाना है, तो वो लोग अपना हर किसी का अपना देखिए समय के अनुसार लोग अपना चीज़ें चेंज कर लेते हैं। तो नया रहता है तो सूप उप जैसे मैंने एक दो बार देखा है बचपन में तो लोगों को लाते, तो मैंने वो शेयर कर दिया था। तो यही बात है, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, मैं आपके बात से एग्री हूँ कि नहीं होता है, नहीं लाते हैं बजा के सूप को फेंक देते हैं। तो मेरे भी डब्बा जो है ये पुराना था, तो मैंने इसको नीचे जाके बजाते हुए नीचे चली गई हूँ, पूरा घर में मैंने बजा दिया है, और धीरे धीरे मैंने सीढ़ियों पर बिल्कुल धीरे धीरे बजा रहा था कि पूरे बिल्डिंग में कोई सुनेगा कि क्या बजा रही है, क्योंकि हमारी विधि हम उस विधि को करते हैं, दूसरे कोई सोचेगा क्या कर रही है। तो बिल्कुल धीरे धीरे बजाते हुए मैंने ना अपने जो बिल्डिंग के नीचे मैंने पेड़ के नीचे रख दिया था। फिर दूसरे दिन आके ना कोई पता नहीं क्या कौन ले गया, जला दिया कि क्या हो गया। सुबह मतलब 10-12 बजे 11-12 बजे के बीच देखा कि वो मेरा गायब हो गया था डब्बा। मैंने बोला चलो ठीक है कोई ले गया हो, और किसी कोई भी कहीं ले जाए। इधर भगाते हैं तो हम यही मंत्र बोलते हैं, इस पैसे दरिद्र भागे, इस पैसे दरिद्र भागे, यानी ईश्वर का बास हो और दरिद्र भागे। तो अभी मैंने जो है दरिद्र भगाने की विधि कर दी आपने देखा, और अपने घर से बस पास में ही रखा, क्योंकि अब बाहर रहते घर से बाहर थोड़ी सी इन चीज़ों को अपने उतना नहीं कर सकते, हम गांव में करते हैं। तो ये जो भी विधि हमारे पूर्वज लोगों ने किया है तो उस चीज़ को हमें भी करना चाहिए, इस विधि को, क्योंकि कुछ सोच के ही किया होगा तो करना चाहिए। और अभी जो है ये अभी इसके बारे में अपना काम स्टार्ट करूँगी, जैसे झाड़ू पोछा करके फिर नहा के तब जाके उसके बाद फिर हम जो है जो भैया तुझ का पूजा है वो करेंगे, और खाने में जो है जो पूरी खीर साग ये सब चीज़ें तो बनेगा, तो अभी स्टार्ट करूँगी, अभी मतलब बिजी रहने वाले हैं। तो चलिए चलती हूँ और उस काम स्टार्ट करते हैं।